हेलो एवरीवन मैं हूं भावना आप सबकी टैरो का रीडर आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के इवनिंग थॉट्स एंड इवनिंग एनर्जी लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि मेरी जितनी भी न्यू वीडियोस आती है उसके आपके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए ओके अगर ये वीडियो आपसे ज़रा भी रेजोनेट करता है या फिर आपको ज़रा भी मोटिवेट करता है तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करके जाइएगा एंड बिकॉज आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाती हूँ एंड आप मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड गाइस ये जो रीडिंग होने वाला है ये टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होने वाला है जो आपसे रेजोनेट करे उसे आप, आप रखिएगा बाकी आप स्किप कर सकते हैं ओके okay? जब भी मैं कार्ड शफल करूं आप अपने डिवाइन से प्रे करिएगा कि आज इसमें आपके लिए बिल्कुल एक्यूरेट मैसेजेस एंड गाइडेंस मिले तो so चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो ये जो रीडिंग रहने वाली है मेल फीमेल दोनों के लिए रहने वाली है एंड किसी भी एज ग्रुप के लिए वीडियो हो सकता है एंड साथ में अगर आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो ये डेफिनेटली वीडियो आपके लिए है तो चलिए स्टार्ट करते हैं महादेव का नाम लेके हर हर गंगे हर हर महादेव चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग आप अपने पार्ट के बारे में सोचिए डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज मुझे गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी क्या है उनके लिए डिवाइन प्लीज गाइड मी मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए ओके okay. ओके okay. यहां पे जो नजर आई मेरे पास थ्री थ्री ऑफ सॉर्ट्स की सिक्स ऑफ टेन ऑफ पेंटिकल पेज ऑफ कप फोर ऑफ सॉर्ट्स द सन डेथ हाई प्रिशिस्ट टू ऑफ सॉर्ट्स बॉटम ऑफ द डेक की बात करें सो टेन ऑफ ठीक है आप सोच रहे हैं ठीक है उनका हो सकता है जेमिनी रिबला लिब्राइक्यूस एंड एरिस मुझे एनर्जी दिख रहा है एंड आप लोगों का जो एनर्जी हो सकता है वो पाइसिस कैंस स्कॉर्पियो आपका मुझे ये दिखा है ठीक है so, सो चलिए बात कर लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी के बारे में ठीक है सो डेफिनेटली आपके पार्टनर बहुत पेन में है बहुत ज्यादा उनका हृदय टूटा हुआ है एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे थ्री ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी आ रही है खुश बिल्कुल भी नहीं है वो खुश होने की एक्टिंग जरूर कर रहे हैं या फिर बोल सकते हैं कि खुश होने का नाटक कर रहे हैं अपनी लाइफ में या फिर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में बट आगे नहीं बढ़ पा रहे कहीं कहीं ना एंड बहुत ज्यादा अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हैं इस वक्त बहुत ज्यादा अपने करियर को टाइम दे रहे हैं इस वक्त अ uh, फाइनेंशली हो सकता है कि फैमिली से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा हो या फिर फैमिली की तरफ से बहुत ज्यादा आ रहा हो कि तुम्हें अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए या फिर करियर के लिए आ, अभी माइंड में चीजें होनी चाहिए सो so, वो करियर का बहुत ज्यादा सोच रहे हैं ठीक है इस तरीके की एनर्जी दिख रही है मुझे एंड यहाँ पे बट साथ में यह है कि जो करियर के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं या फिर जो करना चाह रहे हैं जो उनका ध्यान अभी मनी और करियर के ऊपर ज्यादा है वो भी उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से बोझ एक तरीके से बर्डन लग रहा है क्यों क्योंकि जब भी इंसान का हार्ट ब्रेक होता है या फिर वो ऐसी सिचुएशन में होता है तो वो सिर्फ एक्टिंग करता है कि यस एक होता है ना कि इंसान अपना मन लगाने के लिए दूसरा काम कर रहा है इंसान अपना अपने पेन को भूल जाए इस वजह से वो दूसरा काम कर रहा है तो वो चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही है अदरवाइज जो वो काम अभी कर रहा है वो भी उसको कहीं ना कहीं बोझ कहीं ना कहीं बर्डन लगने लग रहा है अभी इसी सिचुएशन में ठीक है एंड साथ में चीजें जो मुझे दिख रही है एंड आपकी साइड से जो आप मुझे दिख रहे हो मुझे लग रहा है कि आप और भी आगे बढ़ गए हो या फिर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि आप लोगों ने वो चीज एक तरीके से रिलीज कर दी है ठीक है आपके मन में अभी भी अपने पार्टनर के लिए प्यार मुझे दिख रहा है केयर मुझे दिख रही है एक जो आप उनकी रिस्पेक्ट करते थे जो आपने उनको अपना टाइम दिया या फिर आपने जो भी उनके लिए किया वो एक रिस्पेक्ट आपके मन में मुझे दिख रही है बट साथ के साथ ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर हो सकता है कि कुछ फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या फिर कुछ ऐसे आपको काम करने हैं जिसकी वजह से आप ज्यादा उस बात पे ध्यान नहीं दे पाओगे अपनी लाइफ में चाह कर भी आप भले ही अपने पार्टनर के बारे में सोचने की कोशिश करो बट इसके अलावा आपकी और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है अपनी फैमिली को लेके या फिर कुछ और हो सकता है अपने करियर को लेके अपनी स्टडी को लेके हो सकता है इसी वजह से आप जो है उस चीजों को छोड़ के वहीं पे कि जो होगा देखा जाएगा मैं रिलीज कर रहा हूं या मैं रिलीज कर रही हूँ ऐसी एनर्जी में आप जाते हुए एक नए रास्ते की तरफ मुझे जाते हुए दिख रहे हो आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करते हुए दिख रहे हो मुझे यहाँ पे एंड आपकी जो न्यू स्टार्ट हुआ है ना वो कहीं कही ना कहीं बहुत पॉजिटिव रहने वाला है आप लोगों के लिए ठीक है ऐसी चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है यहाँ पे एंड आप दोनों का नो no कॉन्टेक्ट का जो रीजन रहा होगा जो मुझे नो no कॉन्टेक्ट का रीजन दिख रहा है यहाँ पे अः uh, एक तो मुझे नो no कॉन्टेक्ट का रीजन दिख रहा है किसी ना किसी फीमेल का इंफ्लुंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप दोनों के रिलेशन में जो कहीं ना कहीं नो कॉन्टेक्ट का रीजन रहा हो हो सकता है कि आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया गया हो या फिर हो सकता है कि आपको इन्फ्लुएंस किया गया हो या आप दोनों में से किसी भी एक पर्सन को बहुत ज्यादा इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर दिया कि चीजें और ख़राब होती गई उसके माइंड में कुछ कन्फ्यूजन डाला गया क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन की भी एनर्जी आ रही है या फिर ऑप्शन की एनर्जी आ रही है यहाँ पे या फिर बोल सकते हैं कि ऐसा आपके पार्टनर को बताया गया कि तुम्हारी कुछ और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है तुम्हें यहाँ पे भी ध्यान देना चाहिए तुम्हें अपने फैमिली की तरफ ध्यान देना चाहिए क्यों क्योंकि आपके पार्टनर के अभी देखो मनी के रिलेटेड एनर्जी बहुत ज्यादा हो रही है करियर को लेकर वो एकदम से ऑरिएंट हो गए हैं सो हो सकता है कि उनको बोला गया हो उनको बताया गया हो उनको भड़काया गया हो इस तरीके का मुझे यहाँ पे दिख रहा है बट ये चीज भले ही आपके पार्टनर ने की है बट वो अभी बहुत ज्यादा पेन में है आपको लेके डेफिनेटली बहुत ज्यादा पेन में है एंड कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में मैरिज का कमिटमेंट हुआ या फिर ये भी हो सकता है कि आप उनकी फैमिली से बात करते हो या फिर आप उनकी फैमिली से मिले भी होंगे इस चीज के भी हाईली चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं एंड ये भी हो सकता है कि ऑलमोस्ट आपकी आप दोनों की बात सगाई तक शादी तक पहुंच गई थी बट होते होते चीजें टूट गई या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिलीज भी एक दूसरे से मिली बट फिर स्टिल चीज़ें खराब हो गई या फिर कुछ ना कुछ उसमें रुकावट आ गई इसके भी हाईली चांसेस हो सकते हैं एंड येस yes, आपके पार्टनर मुझे बहुत पेन में दिख रहे हैं आपको लेके एंड उनके मन में स्टिल कहीं ना कहीं अभी भी ये चल रहा है कि कैसे भी उनकी आपसे बात हो या फिर कैसे भी वो आपसे कनेक्ट कर पाए कैसे भी वो आपको समझा पाए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हो अपनी लाइफ में बट वो वहीं पे स्टक हैं भी वो उस सिचुएशन से निकल नहीं पाए हैं जिस सिचुएशन में आपने उनको आखिरी बार देखा वो सिचुएशन में अभी भी हैं स्टिल वो बिल्कुल भी नहीं निकल पा रहे हैं एंड हो सकता है कि वो आपको स्टॉक कर रहे हो आपको नहीं पता चल रहा हो या फिर स्टॉक करवा रहे हो किसी के थ्रू इसके भी हाईली चांसेस हो सकते हैं क्योंकि उनको अपनी लाइफ बहुत ज्यादा बोझ बहुत ज्यादा बर्डन लगने लग गई है वो अपनी लाइफ को खुल के जी नहीं पा रहे हैं एंड उनके पास कोई भी नहीं है कि वो अपनी बातें शेयर करे या फिर बता सके कि उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सो so, इस तरीके का मुझे उनका एनर्जी दिख रहा है हम और भी एनर्जी चेकआउट करने की कोशिश करते हैं कि क्या आता है यहाँ पे हमारे पास ठीक है हम और भी एनर्जीज़ देख लेते हैं आपके पार्टनर की सी क्या एनर्जी आती है हमारे पास hmm. किंग ऑफ कप की एनर्जी आ रही है यहाँ पे द एम्पुर बॉटम ऑफ द डैक आया क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यस यहाँ पे जो मुझे एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की वो पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो एंड टॉरिस वर्गो कैप्रिकॉन यहाँ पे देखो जैसे कि मैंने बताया था कि आपके पार्टनर के मन में कुछ तो चल रहा है कुछ तो चीजें चल रही है क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप की एनर्जी आ रही है सो so, वो उनका प्यार जो है या फिर बहुत ज्यादा पेन में बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं याद करने की एनर्जी आ रही है जहाँ पे मैंने बोला शादी के लिए मैरिज के लिए जो पहले हो सकता है कि आप दोनों की ऑलमोस्ट बात हो गई थी शादी तक या फिर फैमिली वाले मिले थे या फिर कमिटमेंट हुआ था बट चीजें और खराब हो गई बिगड़ गई आप दोनों के बीच में कॉम्प्लिकेशंस हो गए दूसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो गया जिससे कि चीजें और खराब होती गई एंड अभी भी पार्टनर आपके पार्टनर के मन में वो चीजें हैं उनको सारी चीजें याद है कि किस तरीके से हमारी शादी होने वाली थी किस तरीके से हमारे साथ चीजें हो रही थी एंड ऐसी सिचुएशन में चीजें आके फंस गई या फिर ऐसी सिचुएशन हो गई कि चीजें समझ में नहीं आई और धीरे धीरे वो चीजें बिगड़ती गई क्यों एंड साथ में ये चीजें भी आ रही हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनके ऊपर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हावी हो गई क्यों ना क्योंकि कहीं ना कहीं कई कही लोग ऐसे होते हैं कि वो दूसरों की बातें ज्यादा सुनते हैं दूसरों समाइम लोग ऐसे भी होते हैं समटाइम क्या होता है ना फैमिली की बातें ज्यादा सुनते हैं फ्रेंड्स की बातें ज्यादा सुनते हैं जो लोग दूसरे के सुनने में ज्यादा आते हैं उस तरीके की एनर्जी दिख रही है कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको दूसरों की भले कितनी भी सुन लेंगे बट वो करेंगे अपनी बट यहाँ पे स्टिल जो आपके पार्टनर की एनर्जी दिख रही है वो इस तरीके से दिख रही है जैसे वो दूसरों की सुन रहे हैं ठीक है जैसे कि कि केतु का का नेचर होता है जो कि seven number को represent करता है 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 जो नंबर को रिप्रेजेंट करता हो हो सकता है, आपके पार्टनर डेट ऑफ बर्थ ठीक मतलब कि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो रखा है उनको उनका सेवन नंबर हो सकता है डेट ऑफ बर्थ टू नंबर हो सकता है उनका मून भी वीक हो सकता है केतु भी वीक हो सकता है हो सकता है कि इस वजह से चीजें ज्यादा हो रही हो उनके ऊपर ठीक है एंड यहाँ पे जो मुझे ओवरऑल एनर्जी मुझे देखिए अगर मैं पूरी जो है रीडिंग को रिपीट करूँ एंड बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको संभाल के रखना चाहते हैं या फिर एक तरीके से बोलो कि वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में कम बैक करो एंड उसके लिए वो कहीं ना कहीं प्लानिंग कर रहे हैं एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं एंड ये भी मुझे चीजें दिख रही है कि हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर से कमिटमेंट मांगा हो बट आपको कमिटमेंट ना मिला हो आपके पार्टनर ने आपसे टाइम मांगा हो कि आ, मुझे थोड़ा टाइम दे दो बट वो टाइम कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है ऐसे भी चीज़ें हो सकती हैं एंड उस वजह से आपने शायद आगे बढ़ने का डिसीजन ले लिया हो कि यहाँ से मुझे कमिटमेंट नहीं मिल रहा है या फिर मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है या फिर कुछ ऐसा कि आप उस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो ठीक है बट आपका पार्टनर जो है वो कहीं कही ना कहीं अभी भी उसी स्टिल एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे इस तरीके की एनर्जी दिख रही है हम थोड़ा सा और चेकआउट करने की कोशिश करेंगे एनर्जी थोड़ा सा स्पेसिफिक जाने की कोशिश करेंगे कि क्या आती है आपके पार्टनर की एनर्जी वॉकिंग अवे एनर्जी आ रही है आपके पार्टनर की ब्रोकन हार्ट की एनर्जी आ रही है विक्ट्री की एनर्जी आ रही है एंड एंजल ऑफ लव की एनर्जी आ रही है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक की बात की जाए यहाँ पे सो so, यहाँ पे भी देखो आपके पार्टनर को चीजें समझ में नहीं आई उस वजह से वो आपकी लाइफ से चले गए एंड कहीं हद तक उन्होंने खुद ही अपना हार्ट ब्रेक कर लिया या फिर ऐसी सिचुएशन में फंस गए कि उनका ऑटोमेटिकली हार्ट ब्रेक हो गया क्यों क्योंकि वो फैमिली से बात कर नहीं पा रहे थे आपके लिए एंड आपको शायद कहीं ना कहीं कमिटमेंट चाहिए था तो इस वजह से चीजें मुझे होती हुई नहीं दिखी बट आने वाले टाइम में मुझे चीजें लग रही है कि वो आपको कमिटमेंट देते हुए मुझे दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे उनकी एनर्जी में विक्ट्री का कार्ड आया है एंड एंजल ऑफ लव का कार्ड आया है सो इसका मतलब ये है कि वो आपको कही कहीं ना कहीं कमिटमेंट देंगे कहीं ना कहीं आपसे दोबारा बात करेंगे एंड जो ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है ये सिचुएशन का कहीं ना कहीं एंड होने वाला है आप लोगों के लिए आप दोनों की लाइफ में मुझे इस तरीके का एनर्जी मुझे दिखा है ठीक है सो ये था आज का एनर्जी आपके पार्टनर का वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में राधे राधे थैंक यू सो मच हर हर गंगे